हेलो प्रोग्रामर्स, तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स? तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था यूनिडायरेक्शनल वन टू मेनी रिलेशनशिप, जिसमें हम लोगों ने जॉइंट टेबल का यूज करना भी देखा था, राइट? आज की इस वीडियो में हम लोग गाइस देखने वाले हैं यूनिडायरेक्शनल वन टू मेनी रिलेशनशिप विद जॉइंट कॉलम। अब गाइस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो ये समझो कि जो जॉइंट टेबल होती है, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, एक सेपरेट टेबल क्रिएट होती है, मतलब कि एड्रेस की ये आईडी जो कि प्राइमरी की होती है और एम्प्लॉय की ये आईडी जो कि प्राइमरी की होती है, इन दोनों प्राइमरी की के लिए एक सेपरेट टेबल क्रिएट होती है, जिसे आप कह सकते हो थर्ड टेबल, ठीक है? वो थर्ड टेबल क्रिएट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट टेबल, राइट? दोनों ही टेबल की प्राइमरी की एक सेपरेट टेबल में रखी जाती है, राइट? जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, तो ये जॉइंट टेबल बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, राइट? अब गाइस, हम लोग जॉइंट कॉलम की बात करने वाले हैं। तो गाइस, जॉइंट कॉलम को समझने से पहले आपको मैं एक बार बताना चाहूंगा कि आपने हमारी प्रीवियस वाली वीडियोस देख रखी होंगी, जिसमें मैंने डिस्कस किया है वन टू वन रिलेशनशिप यूनिडायरेक्शनल, राइट? तो गाइस, उसमें क्या होता था, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ स्ट्रक्चर की। गाइस, एक्चुअल में अगर यहाँ पे देखोगे, लेट्स से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये आपका यूनिडायरेक्शनल है और जो कि क्या है, वन टू वन रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो एड्रेस को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? यूनिडायरेक्शनल क्या होता है गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मतलब कि एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस, बट एड्रेस के पास कोई भी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए ये एक यूनिडायरेक्शनल अप्रोच है, मतलब एम्प्लॉय के पास एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस, एक्चुअल में वन टू वन रिलेशनशिप में कैसे टेबल क्रिएट होती थी कि देखो, एड्रेस में जितनी फील्ड्स हैं तो उसमें उतनी ही फील्ड्स रहेंगी, राइट? उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और ये रहेगी प्राइमरी की, दैट्स इट। लेकिन हैज अ एड्रेस, इस वजह से क्या होता था कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय के जितने भी कॉलम है, आईडी है, ईएमपी, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ जाता है एड्रेस आईडी का, बिकॉज एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस, ओके, राइट? तो ये था वन टू वन रिलेशनशिप का, जो कि मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है गाइस, बहुत ही बेसिक सा है ये। लेट्स से आपकी कौन सी टेबल है, ईएमपी टेबल है, राइट? और ओके, ये आपकी एमपी टेबल है और ये आपकी एड्रेस टेबल है, राइट? तो ये हो गया एड्रेस, राइट? ये आपकी एड्रेस टेबल है, ओके। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये ई आईडी है, मतलब एम्प्लॉय की आईडी है जो कि प्राइमरी की है, और ये आपका एम्प्लॉय नेम है, और ये एड्रेस आईडी है जो कि ये वाली एड्रेस आईडी, ये एड्रेस आईडी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पी के है, ठीक है? यहाँ पे एफ के बन के ट्रीट हो रही है, राइट? और ये आपकी पी के है, ठीक है? दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि जॉन के पास एक एड्रेस है जिसकी आईडी है 101, तो अगर मैं इस टेबल में ढूंढने जाऊंगा 101 कहाँ पे, तो पता चलेगा कि भाई दिल्ली है, राइट? और रवि का देखेंगे 102, तो 102 किसका है भाई, यहाँ पे देखोगे तो नोएडा पे रहता है, राइट? तो ऐसे हम लोग पता कर पाते थे, जो कि ये वन टू वन रिलेशनशिप का अप्रोच है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है गाइस, राइट? अब वन टू मेनी रिलेशनशिप में क्या होगा गाइस, वन टू मेनी रिलेशन में एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह से एक्चुअल में टेबल नहीं क्रिएट होगी, मतलब कि ये आपकी टेबल, लेट से ये इसी टेबल में मैं मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ, लेट से कि ई आई डी बनेगा और ये आपका ई एम पी नेम बनेगा, ठीक है? लेकिन गाइस, यहाँ पे फर्दर एड्रेस आईडी का कॉलम नहीं जनरेट होगा, जबकि इम्प्लाई हैज अ एड्रेस, बट स्टिल नहीं क्रिएट होगा। क्यों नहीं क्रिएट होगा? बिकॉज यहाँ पे एक एड्रेस का सिंगल ऑब्जेक्ट था, राइट? लेट्स से जैसे क्या होता था क्लास के अंदर, क्या होता था एड्रेस का इस तरह से एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ, राइट? लेकिन इसके केस में कैसे क्रिएट हो रहा है, ये वन टू मेनी में, ये है एड्रेस लिस्ट ऑफ एड्रेस एक्चुअली, राइट? तो इस वजह से ये बेसिकली आपका कुछ ऐसे क्रिएट होगा, तो जिसकी वजह से ये क्लास के अंदर इस तरह से डिक्लेयर किया गया, तो इस वजह से इसके अंदर ये फर्दर कॉलम नहीं क्रिएट होगा, राइट? तो इतनी ही कॉलम क्रिएट होगी। अब गाइस, आप कहोगे कि ठीक है, ऐसे क्रिएट हो गया, तो मतलब कि यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे आया गाइस, यहाँ पे आया वन, लेट से यहाँ पे आया जॉन, ठीक है? इमेजिन किया। लेकिन मान लो कि जॉन के पास लिस्ट ऑफ एड्रेस है, मतलब कि जॉन, इसका मतलब है कि कई एड्रेस पे रह सकता है, राइट? मतलब एड्रेस वन, एड्रेस टू, मतलब कि लेट से कि वो दिल्ली में भी रह रहा है, नोएडा में भी रह रहा है, राइट? तो इसलिए क्या होगा गाइस कि इस बार क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब कि एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस, बट स्टिल क्या होगा, एड्रेस वाली टेबल के अंदर, लेट से ये हमारी होगी एड्रेस टेबल, ठीक है? इसके अंदर एड्रेस आईडी है, लेट से ये रहा एड्रेस आईडी, ठीक है? और यहाँ पे बेसिकली आपकी सिटी थी, ठीक है? ओके, और ये हमारी थी एड्रेस इस तरह से, लेट से, और ये नोएडा का था, ठीक है? और ये लेट से ये हो गया दिल्ली, ठीक है? और ये हो गया नोएडा, ओके?
अब गाइस क्या होगा कि ये जो ई आई डी है ना, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगी। इसके लिए सेपरेट एक कॉलम इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा, लेट से एम्प्लॉय आई डी, इस बार ईएमपी आई डी आप लिख लो यहाँ पे। मतलब कि इस बार उल्टा होगा कि एड्रेस कंटेन कर लेगा एम्प्लॉय की आई डी, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पे भी आ जाएगा वन। क्यों? क्योंकि जॉन के दो एड्रेस हैं, एक दिल्ली पे भी रहता है, नोएडा भी रहता है। तो इस तरह से मतलब कि जो एम्प्लॉय आई डी यहाँ पे जो पी के है, वो यहाँ पे एफ के की तरह ट्रीट होने लगेगी फॉरेन की, और ये तो पी के रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या था गाइस कि यहाँ पे एड्रेस आई डी का कॉलम नहीं बढ़ रहा था, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय आई डी का कॉलम नहीं बढ़ रहा था, यहाँ पे एड्रेस आई डी का कॉलम बढ़ रहा था वन टू वन के केस में। लेकिन वन टू मेनी के केस में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि कुछ अपोजिट हो रहा है, राइट, वन टू मेनी। ओके, तो चलिए गाइस इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं जल्दी से, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। और इसको अचीव करने के लिए क्या करना है गाइस, सबसे पहले आना है आपको, कुछ भी चेंजेस नहीं करना, प्रीवियस वाले एग्जांपल को ओपन करना है, एंड यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे कमेंट करना है सिंपली, और यहाँ पे आपको बेसिकली यूज कर लेना व्हाट, एट ज्वाइन कॉलम, दैट्स इट। जैसे कि वन टू मेनी में यूज करते तो वैसे यहाँ पे यूज करोगे। अब गाइस यहाँ पे अगर सेव करते हैं तो होगा क्या कि ये जो आई डी है, ये वाली जो आई डी है, वो एड्रेस आई डी में यहाँ पे एक यू नो फॉरेन की के रूप में क्रिएट होगी, जिसका नेम क्या होगा, एक्चुअली नेम होगा एड्रेस अंडरस्कोर आईडी। जो भी यहाँ पे नेम आप रखोगे, लेट्स से कि यहाँ पे एडीडीआर रख लेते हो, तो एडीडीआर अंडरस्कोर आईडी बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी आप नेम रखोगे। ओके, यहाँ पे एड्रेस अंडरस्कोर आईडी कॉलम यहाँ पे एक एड्रेस टेबल के अंदर क्रिएट होने वाला। चलिए करके देखने का इस, तो यहाँ पे क्या मैंने किया, जस्ट दिखा देता हूँ एक बार, और तो ज्वाइन कॉलम सिर्फ यूज किया है, राइट। चलिए राइट क्लिक किया, ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये जो टेबल है इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आते हैं वापस से गाइस, और इसको मैंने राइट क्लिक किया एंड रन एज एंड रन जावा एप्लीकेशन, और गाइस ये देख सकते हो कि ये रन हो चुका है, राइट। वापस आते हैं यहाँ पे, और इसको मैंने रिफ्रेश किया, एंड गाइस यू कैन सी हियर कि मैं अगर ओके इनको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और ये मैंने ओपन किया और ये ओपन किया। तो गाइस यू कैन सी हियर कि इस बार क्या हुआ, एड्रेस टेबल के अंदर एड्रेस आईडी बनी है, जबकि एम्प्लॉय के अंदर कोई भी फर्दर कॉलम नहीं बना। लेकिन गाइस अगर नेम से आप देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस ये एक्चुअल में एड्रेस आईडी नहीं है, ये है एम्प्लॉय आईडी, लेकिन ये एड्रेस कॉलम का नेम एड्रेस अंडरस्कोर आईडी कैसे बन रहा है, जैसा कि मैंने बताया गाइस, यहाँ पे जो नेम होता है आपका क्लास के अंदर एड्रेस, उसके बाद फर्दर अंडरस्कोर, और जो ये नेम होता है वो बनता है। इसलिए यहाँ पे कस्टमाइज नेम देना चाहते हो कि भाई वो एक्चुअल में प्राइमरी की है, जो फॉरेन की तरह एड्रेस आईडी के अंदर ट्रीट होने वाली। तो नेम क्या है, वो एक्चुअली हमारी है जो एड्रेस आईडी के अंदर दिख रही है, मतलब एड्रेस टेबल के अंदर जो दिख रही है कि ये वाली की, वो एक एड्रेस आईडी नहीं है, वो बल्कि क्या है, व्हाट, एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ईएमपी आईडी, राइट, दैट्स इट। और इसको मैंने सेव किया, एंड मेन पे आते हैं, एंड अगेन ओके यहाँ पे जस्ट मिनट वापस आते हैं, एंड अगेन इसको मैं, ठीक है, और मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। नाउ गाइस राइट क्लिक किया, अभी देख सकते हो गाइस यहाँ पे चेंजेस क्या किया थे, ठीक है, नेम ही सिर्फ रखा है, राइट, कस्टमाइज नेम दे दिया, जावा एप्लीकेशन, एंड वापस आते हैं गाइस, इसको मैंने रिफ्रेश किया, एंड यू कैन सी हियर, इसको मैंने रन किया एंड इसको रन किया। तो गाइस यू कैन सी हियर इस बार ईएमपी अंडरस्कोर आईडी आ चुका। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको यूनिडायरेक्शनल वन टू मेनी रिलेशनशिप में ज्वाइन कॉलम की इंपॉर्टेंस पता चली होगी, कि ज्वाइन कॉलम्स क्या करता है, बेसिकली कोई भी थर्ड टेबल नहीं क्रिएट करता, लेकिन ज्वाइन टेबल क्या करता है कि इस प्राइमरी की आईडी को उठाता है और एम्प्लॉय की प्राइमरी की आईडी को उठाता है, दोनों की आईडीज प्राइमरी की आईडीज को उठा के एक सेपरेट थर्ड टेबल क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती। लेकिन इस केस में क्या होता है, ज्वाइन कॉलम की मदद से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक उन्हीं टेबल के अंदर बेसिकली एक हम फॉरेन की और प्राइमरी की के रिलेशंस की मदद से यू नो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर लाइक इट, देन गिव अस थम्स अप, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।